देखिए गाइस, हमारी न्यू स्कूटी, मुझे लगता है अब हम ऐसे ही चलाएंगे। हाँ क्यों जमीर, ऐसे ही चलाएं, ऐसे मजा आएगा चलाने में, हल्की होगी स्कूटी। गाइस फाइनली निकले हम, सच में मेरे को ना लग रहा है कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, इतनी लंबी गाड़ी है ये, मैं डर रहा हूँ गाड़ी चलाने से। ये देखिए। सो हेलो मडी यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो क्या सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो उनका नाम है सुबह लक्ष्मी रोटरे, उन्होंने मुझे 40 रुपीज का सुपर थैंक्स भेजा है। सच में गाइस मेरे पास ना वर्ड्स ही नहीं है आप सब लोगों को थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आज तक ना आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपको पता ही है मैं भी टेंशन में चल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी पूरा टूट चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। अभी आपको पता ही है मैं अभी कमाता भी नहीं हूँ और ना ही यूट्यूब से पैसे आ रहे, तो इसमें भी आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी टूट गई, गाड़ी फिर से बनेगी, लेकिन आप बच गए इतना काफ़ी है। सच में गाइज आप सब लोगों की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है, और सुबह लक्ष्मी रोटरी का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस सिचुएशन में मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आप सब लोग भी मुझे गाइस सुपर थैंक्स भेज सकते हो। मेरी वीडियो के नीचे एक हर्ट शेप्ड आइकन आता है जहाँ पे आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो अगर आप चाहते हो तो। तो एक और बार गाइस थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो फिलहाल आज का सीन मैं आपको बता दूं, आज मुझे फ्रेंड के साथ लाल चौक जाना है, एक तो हमको महाराजी बाजार जाना है और हमको जाना है रिगल लेन, और भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड को ना बहुत सारी चीज़ें लानी है वहाँ से, और हम फ्रेंड की गाड़ी में ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ रेडी, उसके बाद निकलते। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस बिना देरी के करता हूँ आज शुरू। तो गाइस फाइनली निकले हम, ये देखिए ये रहा इम्तियाज भाई। इम्तियाज भाई क्या हाल है, आज हमको लाल चौक जाना है। हाँ गाड़ी कहाँ है? गाड़ी ना हमारे सामने, मैं बोल रहा हूँ इम्तियाज भाई को गाड़ी कहाँ, ये देखिए। इम्तियाज भाई नहीं मान रहा है, बोल रहा है आप ही गाड़ी चला दो, इको ना आज मुझे पहली बार ही चलानी है, तो देखते आएगी चलानी या नहीं। ये कहाँ से खुलती है, क्या कौन सा बटा, ये क्या हुआ सच में, निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, सब कुछ निकलता है, सब डेंट्स निकलते हैं। मेरी गाड़ी में इतने सारे डेंट्स हैं, वो भी निकलेंगे। ओ भाई ये तो बहुत लंबी गाड़ी है, आज पहली बार चलानी है मुझे इको, ये लंबी गाड़ी देखते हैं आएगी चलानी या नहीं। हाँ हाँ ट्रक की जैसी है लंबी, ये देखें। सो गए ओके। अरे भाई ये बंद करो, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। इम्तियाज भाई हमको पहले कहाँ जाना है? महाराज बाजार। चलिए फिर निकलते हैं। पर मेरे को ना सच में मेरे को नहीं पता ये आएगी मुझे चलानी या नहीं, मैं डर रहा हूँ चलानी। ऊपर से ना इम्तियाज भाई को नींद आ रही है, बोल रहे तू ही चला मैं सोऊंगा तब तक। गाइस फाइनली निकले हम, सच में मेरे को ना लग रहा है कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, इतनी लंबी गाड़ी है ये, मैं डर रहा हूँ गाड़ी चलाने से। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे हूँ मैं, आज तक जो भी गाड़ी मैंने चलाई ना वो सब छोटी गाड़ियाँ होती थी। ये देखिए ये वाली कितनी लंबी है, मजा है ना, मजा है इसमें, लेकिन मैं डर रहा हूँ ना। ओ भाई साहब आज ना मौसम भी बहुत ही अच्छा है, देखिए अच्छी खासी धूप निकली हुई है, यहाँ पे यही होता है, कल बारिश थी आज धूप, मौसम पे कोई भरोसा नहीं होता। तो गाइस हम पहुंचे अभी जहांगीर चौक के पास, अभी ना हमको सबसे पहले जाना है रिगल लेन, फिर उधर से आके जाएंगे महाराज बाजार भी। ओके पहले ना फ्रेंड को कुछ वहाँ से चीज़ें लानी है, फिर जाना है महाराज बाजार, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लानी है। और ये देखिए जहांगीर चौक, आज यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वरना हमेशा ट्रैफिक होता है, पता नहीं क्या सीन। फाइनली गाइस पहुंचे मरिगल चौक के पास, यहीं पे ना फ्रेंड को कुछ काम है, चले फिर निकलते हैं, देखते हैं क्या काम होगा, कुछ लाना है फ्रेंड को। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ही ज़्यादा, जैसे बाहर धूप होती ना उतनी धूप है यहाँ से। चलो फिर इम्तियाज भाई कहाँ से जाना है हमको, यहीं से यहीं पर जाना है हमको। गाइस यहाँ पर ना एक बेकरी शॉप है, वहीं पर जाना है हमको। अभी ना ऐसे मार्केट बंद ही है, पता नहीं क्या सीन है, ज़्यादातर मार्केट बंद ही है यहाँ से, उस साइड होगा ये पटरी मार्केट, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं है। ये देखिए गाइस यहाँ पे जाना है हमको, ये रही लैम्बर्ट लेन, यहाँ पे ना आर्ट की चीज़ें ज़्यादातर मिलती है, सिल्वर की चीज़ें ये सब, ठीक है। ये देखिए यहाँ, तो गाइस यहाँ पे तो सारी चीज़ें लाई हमने, अब यहाँ से हमको पहले जाना है महाराज बाजार, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें लानी है फ्रेंड को। शुक्र है आज यहाँ से ट्रैफिक नहीं है, वरना यहाँ पे कभी गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते, चालान कट जाता है यहाँ पे। तो पता नहीं फ्रेंड कहाँ गया, अगर वो जल्दी नहीं आया ना तो चालान तो कटना ही कटना है। आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ से, यहाँ से ना पूरा रोड भर के होता है ट्रैफिक की वजह से। ये देखिए गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, फाइन ना 1400 रुपये का कट जाता है यहाँ पे। गाइस महाराज बाजार ना कैंसिल ही हुआ जाना, अब यहीं पर जाना है हमको घंटाघर के पास, वहीं पर कुछ चीज़ें लानी है फ्रेंड को। और यहाँ से देखिए प्रताप पार्क, यहाँ से ना फ़ोन ये सब ज़्यादा बेचते हैं लेफ्ट साइड से। ये देखिए गाइस ये पहुंचे हम घंटाघर के पास, आज ना इस रोड से पहली बार मुझे गाड़ी चलानी है। ये देखिए क्या वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि वो टाइल स्टॉप लगे हुए ना यहाँ से,
और यहाँ से मार्केट चेक कीजिए, यहीं से हमको लेफ्ट साइड से जाना है ना, यहाँ से जाना है हमको, वहाँ पे एक स्कूल है उसी जगह। देखिए गाइस यहाँ से ना राइट साइड से गली जाती है जहाँ से खाली लड़कों के कपड़े ये सब मिलते हैं, ये देखिए बहुत ही बड़ी गली है, वहाँ से हर टाइप के कपड़े मिलते हैं जो अभी आपको चाहिए, और इस साइड भी ये देखिए। तो गाइस फ्रेंड ने ना दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, वो यहीं पे आ रहे वो चीज़ें लेके, पता नहीं क्या लेना। तो गाइस फाइनली सारी चीज़ें लाई फ्रेंड ने, अब जाते डायरेक्ट घर के लिए। ओके जाते जाते आपको मार्केट भी दिखाएंगे, ये देखिए गाइस जो कि मैंने आपको बोला ना यहाँ से लड़कों के कपड़े ज़्यादा मिलते हैं, ये देखिए हम इसको बोलते हैं जंगलात गली, ठीक है। इसी साइड खाली कपड़े ही बेचते और कुछ नहीं, तो खाली लड़कों के ही। यहाँ पे हर तरफ से स्मार्ट सिटी का वर्क चल रहा है ना, इसलिए हमको घूम के आना पड़ा, क्योंकि सब रोड भी बांध दिया, वर्क चल रहा है हर तरफ से, ये देखिए पूरा घूम के आना पड़ा हमको, वरना घंटाघर से सीधे रास्ता था यहाँ पहुँचने का, अब वहाँ से वर्क चल रहा है इसलिए यहाँ से आना पड़ा हमको। तो गाइस अब हम चढ़े जहांगीर चौक पर रामबाग ब्रिज पे, इसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कम हुआ, ये देखिए अब यहाँ से ट्रैफिक ये सब नहीं होता, वरना ना इसे घंटे भर के लिए ट्रैफिक में फंस जाता था। देखो इतनी भीड़ है यहाँ पे गाइस, पहले ना हम यहाँ पे पेट्रोल डालने के लिए आए, यहाँ पे डालेंगे पेट्रोल। पेट्रोल का रेट क्या है? 101 रुपीस पर लीटर। ओ भाई साहब ये डीजल की पेट्रोल, पेट्रोल सही है सही है। ये देखिए गाइस इसको कहाँ से पेट्रोल डालना पड़ता है, बिल्कुल खिड़की के नीचे, ये देखिए। ये देखिए गाइस अभी ना हम एयरपोर्ट के रोड से जा रहे हैं, ये देखिए ये रहा एयरपोर्ट का रोड, आगे से हमको राइट साइड से जाना है। ये देखिए गाइस सीधे है एयरपोर्ट, हमको राइट साइड से जाना है यहाँ से। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, अब ना मुझे फ्रेंड के साथ जाना है स्कूटी की सर्विस करवाने, तो सर्विस सेंटर ही जाएंगे। ओके स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए एक तो इसका इंजन ऑयल चेंज करवाना है, और ये जो ब्रेक का स्प्रिंग है ना वो भी लगवाना है, और लगवाना है टेल लाइट। ओके जो जो मेन काम है ना वही करवाना है, बाकी कुछ नहीं। और मैं जा रहा हूँ जमीर के साथ, चलो जमीर भाई निकलते हैं ब्रो, चलो। ये शक्ल दिखाने से मना कर रहा है इसीलिए मैं इसकी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ। नाम से क्या है जमीर, इतने दुनिया में जमीर बहुत है। सीन कुछ ऐसा है ना, मैं ना लोकल ही ठीक करवाता स्कूटी, लेकिन ये जो ब्रेक का स्प्रिंग है ना ये लोकल नहीं मिल रहा, इसलिए हम कंपनी पे ही जा रहे हैं, ठीक है वहीं पे ठीक करवाएंगे स्कूटी, वहाँ पे देखते हैं स्प्रिंग मिलेगा या नहीं। तो गाइस ये देखिए ये पहुंचे हम हाईवे पे, यहीं पे ढूंढना है कहाँ पे होंडा सर्विस सेंटर। ये कौन सा है? ये हीरो है, हाँ होंडा भी यही होगा किसी जगह। ये रहा होंडा सर्विस सेंटर, चलो जी जाते हैं। ये कुछ नया ही खुला है ना यहाँ पे। गाइस फाइनली पहुंचे हम, लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए कितनी सारी स्कूटियाँ है यहाँ पे, अब शायद वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली गाइस टर्न आ गई हमारी, चलिए जब करवाते हैं सर्विस। ओके देखिए गाइस हमारी न्यू स्कूटी, मुझे लगता है अब हम ऐसे ही चलाएंगे। हाँ क्यों जमीर ऐसे ही चलाएं, ऐसे मज़ा आएगा चलाने में, हल्की होगी स्कूटी। ये देखिए गाइस स्कूटी में भी गियर ऑयल होता है, स्कूटी विदाउट गियर होती है उसके बावजूद गियर ऑयल। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, और अब मैं निकला हेयर कटिंग करवाने के लिए। ओके तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर और हेयर कटिंग भी हो गई। आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि आपको पता ही है पूरा दिन ना सर्विस सेंटर में ही निकल गया। चलिए कोई नहीं, कोई दिन ऐसा भी निकलता है कि नहीं। तो अभी अंधेरा भी बहुत ही हो चुका है, मैं करता हूँ फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।